वीडियो शुरू करूं उससे पहले उन स्पेशल लोगों को कुछ बोलना चाहूंगी जो इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं और इसका बुलंद आवाज में विरोध कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है आप लोगों की घटिया और छोटी सोच पे। मतलब आप लोग इतने महान बन गए कि किसी फिल्म को बिना देखे आप उसको बंद करने की मांग कर रहे हैं, जबकि फिल्म में क्या दिखाया गया है उसका ABCD भी आपको कुछ भी पता नहीं है। चलिए मैं आपके दिमाग से वो काले पर्दे हटा देती हूं जिसके अंदर अच्छी बातों का घुसना मना है। आर्टिकल 15 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप उसे दिल से सलाम करेंगे, आपके हाथ तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे, लेकिन आपका मन फिर भी पूरे तरीके से नहीं भरेगा। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस फिल्म को देखने के बाद आप गर्व महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप उन समझदार लोगों में से हैं जिनको अनभक्ति से फुर्सत नहीं मिलती तो ये फिल्म क्या खुद भगवान भी आपकी जिंदगी नहीं सुधार सकते। जरा ध्यान से सुन लो, आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी को नीचा दिखाया जा सके या फिर किसी को बुरा बोला जा सके। ये फिल्म जातिवाद के खिलाफ है, उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म किसी भी तरीके से नफरत नहीं फैलाती। नफरत फैला रहे हैं वो लोग जो सड़कों पर झंडे लेकर फिल्म को बिना देखे इसका कर रहे हैं। एक मिनट, आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही ना? लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए आपको आपकी गंदी सोच पे जो इंसानों को इंसानियत से नहीं उसके धर्म और जात से नापते हैं। इससे अच्छे तो जानवर हैं जो आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते। खैर छोड़िए, मेरी बातों का असर सिर्फ उन लोगों पे होगा जो अपना दिमाग और कान खोल कर रखते हैं, लेकिन इस देश में आजकल ऐसी हवा चल रही है जिसमें लोग अंधे बहरे गूंगे सब कुछ बन गए हैं। लोगों से उम्मीद लगाना बेकार है। आप छोड़िए, इंसानियत आपके बस की बात नहीं है। फिल्म में एक कमाल की बात बोली गई है जो सीधा आपके दिल पे लग जाएगी। फिल्म में कैरेक्टर बोलता है कि ये जो घटनाएं हमें रोज सुनने को मिलती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कभी नहीं होगा, ये सब कुछ एक दूसरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा झूठ है और बेवकूफी है। ये सब कुछ आपके मेरे साथ किसी के भी साथ हो सकता है, और हमारी तो इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई फिल्म बन जाए। खैर अब भावनाओं को भूल जाइए, आप लोग आए हैं रिव्यू देखने, तो चलिए बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में। आर्टिकल 15 को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, जो इससे पहले मुल्क जैसी दमदार फिल्म बनाकर हमारी छोटी सोच पे सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन दाद देनी होगी इनकी हिम्मत की। ये वापस लौट कर आए हैं एक ऐसी फिल्म के साथ जो हर इंसान को आईना दिखा देती है। फिल्म में इतना ज्यादा सच है कि आप खुद के अंदर झांकने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन कुछ लोगों को उनकी सच्चाई पसंद नहीं है, इसीलिए अनुभव सिन्हा को बुरा भुला कहकर ये अपने दिल को सुकून दे रहे हैं। फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं आयुष्मान खुराना, जो इंडियन सिनेमा में मीनिंगफुल फिल्म बनाने के लिए मशहूर हैं। इनकी फिल्मों में अक्सर एक छुपा हुआ मैसेज होता है जो हमें काफी कुछ नया सिखा देता है। आर्टिकल 15 की कहानी घूमती है हमारे देश में रहने वाले लोगों की सोच के ऊपर। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को जीने की पूरी आज़ादी है। कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है और कैसे रहना है, ये सारे फैसले आप खुद ले सकते हैं। ये बातें पढ़ने में और सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये कितनी सच हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक किताब भी दुनिया में मौजूद है। इस बात को शायद हम में से काफ़ी सारे लोग पूरी तरह भुला चुके हैं। आजकल टाइम तो ऐसा हो गया है कि बेचारा इंडिया खुद खतरे में है, तो मेरे और आप जैसे लोगों की तो बात ही छोड़िए। अब ये बात सुनने में कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, आप जानते हैं कि ये पूरे 100% एकदम सच है। कुछ ऐसी ही सच्चाई के साथ बनाई गई है फिल्म आर्टिकल 15, जो उन सभी लोगों के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है जो इंसानियत को पीछे छोड़कर धर्म और जात पात जैसे घटिया धंधे में पूरी तरह फंस चुके हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी पहचान क्या है, आप हैं कौन? एक समझदार इंसान इस बात का जवाब सिर्फ एक शब्द में दे सकता है, अपना नाम बताकर, लेकिन एक महान समझदार इंसान इस नाम के साथ अपनी जाति जोड़ देगा, उसके बाद अपना धर्म जोड़ देगा और उसके बाद अपनी घटिया सोच भी जोड़ देगा। अरे जब तक दुनिया को पता ना चले कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के हैं, यादव हैं, पटेल हैं, पंडित हैं या कुमार हैं, तब तक दिल को सुकून थोड़ी मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो जाति धर्म की बातें आप लोगों को बांटने के लिए करते हैं, ये एक क्राइम है, अपराध है। आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाति धर्म लड़का लड़की ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव करने को गलत मानता है। इसके हिसाब से हम सभी के पास बराबर हक है अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो इस देश का कानून हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। फिर चाहे आप गुजरात से हो या कश्मीर से, दलित हो या ब्राह्मण हो, लड़का हो या लड़की हो, आप सभी के पास बराबर हक है कानून से इंसाफ लेने का। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब आर्टिकल 15 की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी जाती है। दो लड़कियों का रेप करके उनको पेड़ से लटका दिया जाता है। वजह सिर्फ इतनी कि वो दलित हैं, छोटी जात से आती हैं, और उनका समाज में आवाज़ उठाना कुछ ऊंची जात वालों को पसंद नहीं आता। वो झाड़ू लगा सकते हैं, कूड़ा साफ कर सकते हैं, लेकिन ऊंची जात वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। एक तीसरी लड़की भी है जिसका कोई अता पता नहीं है। जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो हमारे देश का महान पुलिस सिस्टम सिर्फ एक बात बोलता है, इन लोगों के साथ ये होता रहता है, इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आज बोल रहे हैं कल चुप हो जाएंगे, फालतू में इन पे अपना टाइम क्यों बर्बाद करना। तब फिल्म में एंट्री होती है आयुष्मान खुराना की, जो फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर अयान रंजन के रोल में नजर आ रहे हैं। इनका काम है लोगों को इंसाफ दिलाना, ना कि फ्री का खाना खा के अपना पेट फुलाना और बैंक
बैलेंस बढ़ाना। इनकी ईमानदारी की वजह से इनको काफी दबाव झेलना पड़ता है, कभी नेताजी इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो कभी साथ काम करने वाले भ्रष्ट पुलिस वाले। लेकिन अयान हार मानने को तैयार नहीं है, उसका सिर्फ एक गोल है, सच का पता लगाना और लोगों को इंसाफ दिलाना। लेकिन अयान की सबसे बड़ी लड़ाई है लोगों की सोच के खिलाफ, जो दलितों को, गरीबों को कीड़ा मकोड़ा मानते हैं, जिनके पास जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सच्चाई और बिना डरे लोगों से सवाल पूछना। पॉलिटिक्स हो या फिर घटिया पुलिस सिस्टम, फिल्म पूरी तरह इनका असली चेहरा आपके सामने खोल कर रख देती है। तारीफ करनी होगी फिल्म के डायरेक्टर की, जिन्होंने खतरों से खेलने वाला काम किया है और फिल्म आपको अंदर से पूरी तरह हिला कर रख देती है। फिल्म की पूरी जान बसती है इसकी दमदार और बेबाक स्टोरी लाइन में, जो फिल्म की असली हीरो है। मतलब आर्टिकल 15 एक ऐसी फिल्म है जिसको किसी बड़े एक्टर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म की कहानी काफी है आपको थिएटर्स तक खींच कर ले जाने के लिए। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें एक बदलाव लाने की पावर होती है। आर्टिकल 15 उन खास फिल्मों में से एक है। आयुष्मान खुराना ने लाजवाब काम किया है, वो अपने रोल में पूरी तरह फिट बैठते हैं और कैरेक्टर के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इस रोल में मैं उनके अलावा किसी और को देख सकती हूँ, उनका परफेक्ट लुक हो या फिर दमदार डायलॉग। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आयुष्मान के लिए ही बनाया गया था। लेकिन उनसे भी ज्यादा कमाल की एक्टिंग की है फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स ने, जो फिल्म को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि स्क्रीन पर हीरो के होने के बाद भी मेरी आंखें सपोर्टिंग एक्टर्स को ढूंढने में लगी हुई थी। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देखकर आप उनसे हमदर्दी करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको देखकर आपके दिल में नफरत भर जाती है। मतलब फिल्म से जुड़े सभी की एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि ये पर्दे से बाहर निकलकर आपकी रियल लाइफ के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इसमें डाले गए डायलॉग्स, जो मिर्ची की तरह तीखे जरूर हैं लेकिन आपके इमोशंस को पूरी तरह बाहर निकाल कर रख देते हैं। फिल्म में जितने भी डार्क सीन्स डाले गए हैं वो डायलॉग्स की वजह से एकदम सच्चे और बेबाक लगते हैं। फिल्म का मैसेज क्लियर है, आपने जो अपने दिमाग में ये ऊंच नीच का फालतू बंटवारा कर रखा है उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण बाद में बन जाना। अगर जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो दुनिया में प्यार फैलाना सीखो, नफरत फैलाने के लिए तो एक जिंदगी बहुत कम है। तो यार, कम शब्दों में बोलूँ तो आर्टिकल 15 एक ऐसी फिल्म है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छी फिल्म पर पैसे खर्च करना चाहते हो तो आर्टिकल 15 आपके लिए बेस्ट फिल्म है। आपके पैसे के बदले आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये फिल्म ज़रूर देखो और अपने पूरे परिवार के साथ देखो। मेरी तरफ से आर्टिकल 15 को 5 में से 4.5 स्टार, आधा स्टार कटेगा फिल्म के फर्स्ट हाफ के स्लो पेस की वजह से, जहाँ पर फिल्म थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, लेकिन आप इससे बोर बिल्कुल नहीं होगे। लास्ट में बोलना चाहूँगी, लेट्स बी इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।